ये फोटोग्राफ्स किसी फाइव स्टार होटल के टॉयलेट्स के नहीं हैं, बल्कि पूर्वी दिल्ली स्थित दिल्ली सरकार के स्कूल के टॉयलेट के हैं। इन फोटोज को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने सोशल मीडिया साइट्स पर लगा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सरकार के दौरान किस तरह से शिक्षा में सुधार हुआ है। केजरीवाल सरकार ने 2015 से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव लाने के कई दावे किए हैं। आप सरकार के अनुसार दिल्ली सरकार ने अपने 2017-18 के सालाना बजट का कुल 24% हिस्सा शिक्षा को दिया है, जो कि 11,300 करोड़ रुपए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को जैसे नया जीवन मिला है, जो उनको निजी स्कूलों के बराबर बना देता है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर, दीवारों पर पेंट और नई बेंचें, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाली जनरेशन को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।